नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप श्रीवास्तव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सभी के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे मिर्च की खेती की। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी और बोनस के कारण प्रदेश के किसानों के साथ ही जिले के किसानों का ध्यान भी धान की उपज पर केंद्रित हो गया, लेकिन सीमित संसाधन होने के कारण अब जिले के किसान क्रैश क्रॉप लेने लगे हैं। बरमकेला क्षेत्र धनिया पुदीना और भाजी उत्पादन के लिए जिले में काफी चर्चित है। अब यहाँ के किसान मिर्च का जबरदस्त उत्पादन कर जिले में मिसाल खड़ी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के किसान स्ट्रॉबेरी के साथ मिर्च की भी खेती सह फसल लेकर दोगुना फायदा कमा रहे हैं। किसान स्ट्रॉबेरी के साथ ही मिर्च के पौधे भी लगा देते हैं। पहले स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते हैं, जब पौधे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो फिर उसी के साथ ही मिर्च के पौधे भी लगा देते हैं। स्ट्रॉबेरी 8 महीने की फसल होती है और मिर्च 10 महीने की होती है। 1.5 एकड़ स्ट्रॉबेरी की फसल में 4-5 लाख की लागत आती है। पैदावार होने के बाद खर्च निकाल कर 7-8 लाख का फायदा हो जाता है। वहीं मिर्च से 2-3 लाख की आमदनी हो जाती है। ऐसे में मिर्च और स्ट्रॉबेरी दोनों को बेचकर 10 लाख तक आमदनी हो जाती है। 1.5 एकड़ में 35 से 40 हजार पौधे लगते हैं। मिर्च में अलग से कोई खर्च नहीं लगता है। इसके पौधे हिमाचल से लाए जाते हैं। किस्म के हिसाब से प्रति पौधा 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के बीच पड़ता है। भोजन में तीखापन लाने वाली हरी मिर्च स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी गुणों का खजाना है। यह आपके स्वास्थ्य को कई तरह से बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में हरी मिर्च काफी फायदेमंद होती है। मधुमेह होने की स्थिति में भी हरी मिर्च में रक्तचाप का स्तर नियंत्रित रखने के गुण होते हैं। आइए अब आपको इस गुणकारी फसल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, नर्सरी प्रबंधन और बीज की मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं। जलवायु और मृदा। मिर्च की खेती विविध प्रकार की मिट्टियों में, जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो, की जा सकती है। जल निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए। मिर्च की फसल जल भराव वाली स्थिति सहन नहीं कर पाती है। मिर्च को 6.5 से 8 पीएच मान वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और गर्म आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। फसल अवधि के 130 से 150 दिन के अवधि में पाला नहीं पड़ना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन। बीजों की बुआई 3x1 मीटर आकार की भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारी में करें। 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या पूर्णतया सड़ी गोबर खाद, 50 ग्राम फोर्टेट दवा मिट्टी में मिलाएं। बुआई के एक दिन पहले कार्बंडाजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारी में टोहा करें। अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। बीज की मात्रा। मिर्च की ओपी किस्मों के 500 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है। संकर किस्मों के 200 से 250 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने में प्रयोग करें। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। वर्तमान में भारत में 7,92,000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती की जा रही है, जिसमें से 12,23,000 टन उत्पादन प्राप्त होता है। ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी कम सिंचाई वाली फसलों के लिए जाना जाने वाला चित्रकूट जिले में अब अचारी मिर्च की खेती भी शुरू हो गई है। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि मिर्च की उन्नत किस्मों, रोपाई की तकनीक, खाद और उर्वरकों के बारे में। उन्नत किस्में काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च,
जवाहर मिर्च 218, अरका सुफल, संकर किस्में काशी अरली, काशी सुर्ख या काशी हरिता, एचपीएच 1900, 2680, उजाला और यूएस 611, 720। रोपाई की तकनीक, मिर्च की रोपाई बारिश, ठंड और गर्मी तीनों मौसम में की जा सकती है। मिर्च की मुख्य फसल खरीफ में तैयार की जाती है। ठंड की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर महीने में करें। खाद और उर्वरक, खेत की अंतिम जुताई से पहले प्रति हेक्टेयर करीब 150 से 250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 48 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले जमीन की तैयारी के समय उपयोग करें। नाइट्रोजन की बची मात्रा आधी आधी करके 30 और 45 दिनों बाद खेत में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। मिर्च बहुत ही उपयोगी फसल है, इसको हरी खाने के रूप में, मसाले और अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी खेती जायद और खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। मिर्च का पौधा तैयार करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। मिर्च की फसल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई तकनीकियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि मिर्च में मल्चिंग के प्रयोग की तकनीक, फर्टिगेशन तकनीक द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन और मिर्च में पादप वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मल्चिंग तकनीक, मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जा रही है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रोन मोटाई वाली अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई जल की मात्रा भी कम लगती है। फर्टिगेशन तकनीक द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन, मिर्च के पौधे जिनको उठी हुई क्यारी पर लगाया गया हो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करें। जल विलेय उर्वरकों जैसे 19:19:19 को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरक की बचत होती है, साथ ही उसकी उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है। पौधों को आवश्यकता अनुसार और शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उपज और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। पादप वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग, फसल में प्लेनोफिक्स 10 ppm का पुष्पन के समय और उसके 3 सप्ताह बाद छिड़काव करें। इस प्रकार शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती है और फल अधिक लगते हैं। रोपाई के 18 और 43 दिन के बाद ट्राई कैटेनॉल 1 ppm की ड्रेचिंग करने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मिर्च की फसल में कीट प्रबंधन कर सकते हैं और साथ ही मिर्च द्वारा स्वास्थ्य में होने वाले फायदों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप मिर्च की खेती कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको मिर्च की खेती में कीट प्रबंधन और इससे स्वास्थ्य में होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भाइयों, उद्यानिकी विभाग से हाइब्रिड मिर्च का बीज लेकर पॉलिथीन की थैलियों में मिर्च का पौधा तैयार कर सकते हैं।
इन तैयार पौधों को थायरम दवा से उपचारित कर कतार में बोना चाहिए। इन विधियों को करते समय मिर्च को कीटों और रोगों से बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि मिर्च के महत्वपूर्ण कीट, रोगों और उनके उपचार की तकनीक क्या है। कीट थ्रिप्स। छोटी अवस्था में ही कीट पौधों की पत्तियों और अन्य मुलायम भागों से रस चूसते हैं। पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव के समान हो जाती है। उपचार। बुआई के पूर्व थायोमिथजाम 5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीजोचार करें। नीम बीज अर्क का 4% का छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत फिप्रोनिल 5% SC 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी से मिलाकर छिड़काव करें। सफेद मक्खी। शिशु और वयस्क पत्तियों की निचली सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिसकी पत्तियां नीचे तरफ मुड़ जाती हैं। उपचार। कीट की सतत निगरानी कर संख्या के आधार पर डाइमिथिएट की 2 मिलीलीटर मात्रा में 1 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप की स्थिति में थायमेथाइज्म 25WG की 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। माइट। कीट का वैज्ञानिक नाम हेमिटारियोनेम सलाटसबैंक है। ये बहुत ही छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों की सतह से रस चूसते हैं, जिसमें पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। उपचार। नीम की निबोली के साथ का 4% का छिड़काव करें। डायोकोफोल 2.5 मिलीलीटर या ओमाइड 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोग और प्रबंधन तकनीक। आर्द्र गलन। इस रोग का कारण पीथियम एफिसडर मेटम फाइटोथ्योरा इसपी फफूंद होती है। नर्सरी में पौधा भूमि की सतह के पास से गलकर गिर जाता है। बीजोचार। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा 1 किलो बीज की मात्रा से उपचार करें। मिर्च की नर्सरी उठी हुई क्यारी पद्धति से तैयार करें, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। जीवाणु जमलानी। इस रोग का कारण स्यूडोमोनस सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है। शिमला मिर्च, टमाटर तथा बैगन में इसका अधिक प्रकोप होता है। उपचार। पौध रोपण से पहले बोरडेक्स मिश्रण के एक घोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को उपचार करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियनम 4 ग्राम और मेटेलिक्सल 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। पर्ण कुंचन। ये रोग विषाणु के कारण होता है, जो कि तंबाकू पर्ण कुंचन विषाणु से होता है। रोग के कारण पौधे की पत्तियां छोटी होकर मुड़ जाती हैं और पौधा बौना हो जाता है। ये रोग सफेद मक्खी कीट के कारण एक दूसरे पौधे पर फैलता है। उपचार। नर्सरी में रोगी पौधों को समय समय पर हटाते रहें तथा स्वस्थ पौधों का ही रोपण करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाओं का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब आपको जानकारी देते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। जी हाँ, खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप खरपतवार पर नियंत्रण नहीं करते तो फिर आप बेहतर पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि खेत में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, साथ ही उपज और भंडारण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए खरपतवार नियंत्रण, उपज और भंडारण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। खरपतवार प्रबंधन। सामान्यतः मिर्च से पहली निराई 20 से 25 और दूसरी निराई 35 से 40 दिन बाद करें। डोरा या कोल्पा चलाएं। हाथ से निराई या डोरा कोल्पा का ही प्रयोग करें। उपज। वैज्ञानिक विधि से उन्नत किस्मों से 20 से 25 क्विंटल और संकर किस्मों से 30 से 40 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। भंडारण। हरी मिर्च के फलों को 7 से 10 सेल्सियस तापमान और 90 से 95% आर्द्रता पर 14 या 21 दिन तक भंडारित किया जा सकता है। भंडारण हवादार वेग में करें। लाल मिर्च को 3 से 10 दिन तक सूर्य की तेज धूप में सुखाकर 10% नमी पर भंडारण करें।
बड़वानी से हरी और लाल मिर्च का निर्यात सुदूर क्षेत्र मुंबई, पुणे, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों को किया जा रहा है। हरी मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जिससे शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मिर्च से होने वाले फायदे क्या क्या हैं। एंटी बैक्टीरियल गुण। हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी रोगों के लड़ने की क्षमता में वृद्धि कर हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इसके सेवन से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी कम होता है। धूम्रपान का सेवन करने वालों को हरी मिर्च को अपने भोजन में ज्यादा शामिल करना चाहिए। हरी मिर्च में कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती। हरी मिर्च पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर पाचन क्रियाओं को दुरुस्त करती है। हरी मिर्च में फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे मिर्च भोजन का पाचन जल्दी होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन सी चोट या घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी हड्डियों, दांतों और आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी मिर्च की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू करवाएंगे। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाया जा रहा है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारे फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सकें, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिल ही रही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। गोरखपुर के रहने वाले किसान भाई दिलेर सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी है। उनका सवाल है, आज का सवाल, अजवाइन के पौधे तैयार करने की विधि के बारे में बताएं। हमारा जवाब, दिलेर जी, सबसे पहले बीज को 24 घंटे भिगोकर रखें, जिससे सभी बीज अंकुरित हो जाएं। 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी कुछ उठी हुई क्यारी तैयार करें। बीज में थोड़ी मिट्टी या खाद को मिलाकर पंक्तियों में लगाकर बीज बोएं। इन पंक्तियों की आपस की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज 1 से 2 मिलीमीटर पर डालकर बोएं। बीज बोने के बाद बारीक पत्ते की खाद से पंक्तियों को ढकें। पानी द्वारा हल्की सिंचाई जरूर करें। जब पौधा 30 से 40 दिन बाद 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तो उसकी रोपाई करनी चाहिए। दिलेर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। अमृतसर के रहने वाले किसान भाई सोनू यादव ने हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है कि आज का सवाल, भेड़ पालन से रोजगार के क्या क्या अवसर पैदा होते हैं। हमारा जवाब, सोनू जी, देश भर में लगभग 50 लाख परिवार भेड़ पालन कर जीवन यापन कर रहे हैं। भेड़ सामान्यतः कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
भारत में प्रति भेड़ से प्रति वर्ष 1 किलोग्राम से भी कम ऊन का उत्पादन होता है। मांस उत्पादन की दृष्टि से भारतीय भेड़ों का औसत वजन 25 किलो से 30 किलो के बीच होता है। सोनू जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। सहारनपुर के रहने वाले किसान भाई काशीराम ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी है। उनका सवाल है कि आज का सवाल, जीरे की खेती में सिंचाई प्रबंध के बारे में जानकारी दें। हमारा जवाब, काशी जी, जीरे की बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तेज बहाव के कारण बीज अस्त व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी सिंचाई 6 से 7 दिन बाद करनी चाहिए। इस सिंचाई द्वारा फसल का अंकुरण अच्छा होता है। आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। 20 दिन के अंतराल पर दाना बनने तक 3 और सिंचाई करनी चाहिए। दाना पकने के समय जीरे में सिंचाई न करें, जिससे बीज हल्का बनता है। सिंचाई के लिए फव्वारा विधि का प्रयोग करना उत्तम होगा। काशी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव भी देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।